नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे आपके तीसरी प्रश्नावली के बारे में, जिसमें अपना चल रहा था 3.4, जिसका अपन पहला भाग कर चुके थे। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे। तो अपनी चल रही थी पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। ये पूर्ण वर्ग विधि आपने पिछली क्लास में जो बात की थी, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, क्योंकि उससे आगे आपको ये आसानी से समझ में आएगा। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो फिर ये समझना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो वीडियो को इसको भी पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे सवाल हैं जिसमें अपने पूर्ण वर्ग विधि के भी बात करेंगे और साथ में अपन द्विघाती सूत्र से भी हल करना सवाल को सीखेंगे। तो अगर आपको ये दोनों विधियां सीखनी है तो पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि आपको सवाल आसानी से ये सारे समझ में आ जाए, क्योंकि पेपर में इसमें से सवाल आ सकता है। तो देखते हैं पूर्ण वर्ग विधि के जो बचे हुए सवाल है उसके अंदर। देखो, आपको जो सवाल अगला दिया हुआ है वो ये लिखा हुआ है, पूर्ण वर्ग बनाने के द्वारा द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। यानी अगला छठा सवाल, अपने पांच सवाल पहले के बारे में बात कर चुके थे, आज हम इसका छठा सवाल देखते हैं। तो देखो, आपको सबसे पहले जैसे बताया था, x के साथ कुछ भी है तो उसका पूरा समीकरण में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो दो का भाग, दोनों पक्षों में दो का भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे दो प्लस एक्स बटे दो प्लस चार बटे दो बराबर जीरो। तो ये देखो, दो से दो कट हो गया और ये दो एकम दो, दो से दो बार कट हो गया। तो यहां क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे दो एक्स प्लस, इसको इधर भेज देते, दो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का दो। देखो प्लस का दो लास्ट वाली संख्या को क्या करते हैं, हमेशा इधर भेजते हैं। तो ये वैसे तो यहां जीरो बटे दो लिखा था, लेकिन जीरो बटे दो का मतलब क्या होता है, जीरो। अब आपको क्या करना होता है, वो सूत्र के जैसा बनाना है, दोनों पक्षों में देखो यहां एक बटे दो है तो बट्टे वाली संख्या जो है ये हर के अंदर, इसको दो से गुणा करके और उसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ना होता है। तो यहां लिखेंगे एक बटे चार का स्क्वायर जोड़ने पर, दोनों पक्षों में अपन क्या करेंगे, एक बटे दो, यानी एक बटे दो है और इस बट्टे में दो की ओर गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, एक बटे चार। तो इसके वर्ग की दोनों तरफ गुणा करनी है, सिर्फ संख्या की नहीं, इसके वर्ग की दोनों तरफ। तो देखो इसके वर्ग की गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे दो एक्स प्लस एक बटे चार का स्क्वायर बराबर माइनस दो प्लस एक बटे चार का स्क्वायर। तो दोनों तरफ देखो एक बटे चार का स्क्वायर जोड़ दिया। तो ये तो देखो यहां पर सूत्र बन रहा है, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र से तुलना करें तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये देखो ये ए स्क्वायर दो ए बी बी स्क्वायर। तो यहां तो बन गया देखो एक्स, ये एक्स लिखना है और इसके साथ में लिखना है एक बटे चार का स्क्वायर। इधर माइनस का दो पड़ा है, प्लस एक का स्क्वायर एक होता है, चार का कितना होता है सोलह। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो रख दिया एक। इसके बाद आगे देखेंगे तो अपने पास आ जाएगा, देखो ये तो ऐसा कैसा रहेगा, एक्स प्लस एक बटे चार का स्क्वायर। इसको हल कर लेते हैं, देखो लघुतम कितना लेंगे, इसका कितना आएगा सोलह। तो यहां पर मैंने लघुतम ले लिया इसका सोलह, ये माइनस का दो इंटू, देखो बट्टे में एक है तो इस सोलह के अंदर इस एक का भाग देंगे तो कितना आएगा सोलह, प्लस ये एक है इंटू इस सोलह के अंदर इस सोलह का भाग देंगे तो कितना आएगा, सोलह में सोलह का भाग देने पर एक। तो ये तो ऐसे कैसे रखना है, एक्स प्लस एक बट्टे चार का स्क्वायर बराबर माइनस दो को सोलह से गुणा करेंगे तो माइनस का बत्तीस प्लस एक बटे सोलह। तो ये हो जाएगा x प्लस एक बटे चार का स्क्वायर बराबर बत्तीस में से एक जाएगा तो माइनस का इकतीस बटे सोलह। कितना बचा, माइनस का इकतीस बटे सोलह। अब देखो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस एक बटे चार का स्क्वायर बराबर माइनस का इकतीस बटे सोलह। अब अंडरूट के अंदर माइनस की संख्या आ गई तो अपन क्या कह देंगे, इसके हल क्या है, वास्तविक नहीं है। जब भी आपको अंडरूट के अंदर, आपने पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर यहां पर अंडरूट के अंदर माइनस की संख्या आ जाए तो यह संख्या वास्तविक नहीं है। तो लिखेंगे इसके हल वास्तविक नहीं है या काल्पनिक कह सकते हैं या अवास्तविक कह सकते हैं। इसके हल यानी इसको आगे हल नहीं कर सकते, ये अंडरूट के अंदर माइनस की संख्या आप अंडरूट नहीं निकाल सकते इसका मान, तो इसको इतना ही
करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। देखो आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या है उसको पूरे में भाग करके एक्स स्क्वायर को अकेला रखना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो संख्या आ रही है यहाँ पे, इसको बट्टे में दो से गुणा करके दोनों तरफ जोड़ना होता है। फिर इस वाली तरफ तो क्या बन जाएगा, ये सूत्र बन जाएगा a प्लस, यहां पर प्लस है तो प्लस वाला सूत्र बनेगा, और यहां माइनस है तो माइनस वाला सूत्र, यहां a प्लस b का स्क्वायर हो गया। इधर आपको लघुतम लेके हल करते जाना है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा सवाल था। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल। देखो ये भी सवाल है जिसका सातवां सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा अपने जो गुणनखंड विधि में भी पहले कर चुके इसी तरह का सवाल, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। आपको सवाल दिया 4x² + 4bx - a² - b², इसको आपको करना है पूर्ण वर्ग विधि से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 का भाग करेंगे पूरे में। तो ये क्या हो जाएगा, 4x² / 4 + 4bx / 4 - a² - b² / 4 बराबर 0/4 का मतलब वैसे तो 0 ही होता है। तो ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, इस 4 से 4 ये भी कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या बचेगा, x² प्लस यहां बचेगा bx माइनस a² माइनस b² / 4। इसको बराबर के इधर ले गए, देखो बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का इधर जाते क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये 0 हो ही गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में देखो क्या लिखेंगे, यहां पे x के साथ जो भी है उसके बट्टे में दो की गुणा करनी है। तो यहां देखो b है, सिर्फ x के साथ क्या है, b, तो ये अपने पास संख्या है, तो इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है, तो एक इसके साथ दो की गुणा, यानी b बट्टे दो का वर्ग दोनों तरफ जोड़ेंगे। तो देखो यहां लिखेंगे b बट्टे दो का स्क्वायर जोड़ने पर, दोनों पक्षों में क्या जोड़ेंगे, b बट्टे दो का स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस bx प्लस b बट्टे दो का वर्ग, इधर भी जोड़ दिया, यहां a² माइनस b² / 4, और इधर भी मैंने जोड़ दिया प्लस b² / b बट्टे दो का स्क्वायर। देखो b बट्टे दो का स्क्वायर इधर भी जोड़ दिया और इधर भी जोड़ दिया। अब देखो ये तो सूत्र बन जाएगा इसी तरह, ये कौन सा बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहां लिख सकते हैं x प्लस b बट्टे दो का होल स्क्वायर, ये सूत्र से, ठीक है। इधर क्या बचा, देखो यहां पर इधर हो गया a² - b² / 4 + b² / 4, b का स्क्वायर यहां पे स्क्वायर खोल दिया, b का स्क्वायर b² और 2 का स्क्वायर 4। इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, x प्लस b बटे ऐसा कैसा, इसके बराबर में पर लिखेंगे, यहां पर ले लेते हैं इसका लघुतम, तो लघुतम आ जाएगा, देखो इसको और इसको लघुतम लिया, तो लघुतम कितना है 4। देखो सेम लघुतम है तो ऊपर वाली संख्या जैसे जैसे लिख देंगे, a² - b² + b² लघुतम एक जैसा है, तो आपकी सारी संख्या ऊपर वाली एक जैसी, इससे क्या होगा, ये b² प्लस का, ये b² माइनस का कट हो गया। तो यहां देखो आपके पास बचा है x प्लस b बटे 2 का स्क्वायर बराबर a² / 4, आपके पास बचा है a² / 4। अब देखो इसका स्क्वायर इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस b बटे 2 का स्क्वायर उधर भेज दिया, तो यह आ जाएगा अंडरूट का a² / 4, और इसको हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर a² होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 2, ठीक है। और ये किसका आएगा, प्लस माइनस, किसका आएगा, प्लस और माइनस। पहला लेंगे यदि x प्लस b बटे 2 बराबर a बटे 2, प्लस का लिया तो x बराबर क्या आएगा, देखो तो इसको इधर ले जाएंगे, a बटे 2 तो इधर पड़ा है, b बटे 2 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का लघुतम लिया, तो x बराबर आ जाएगा अपने पास a माइनस b बटे 2, तो पहला उत्तर तो आपके पास ये आ गया a माइनस b बटे 2। इसी तरह और यदि दूसरा लेते हैं x प्लस b बटे 2 बराबर माइनस a बटे 2, माइनस का a बटे 2 लेते हैं तो x बराबर आ जाएगा, देखो माइनस का a बटे 2 इधर पड़ा है, b इधर लाएंगे तो b भी माइनस का a बटे 2, तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस का, देखो माइनस कॉमन आ गया दोनों में, a प्लस b बटे 2, तो ये आपके पास दूसरा आंसर आ गया। तो इस सवाल को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, दोबारा देखते हैं इसको कैसे किया। सबसे पहले आपको देखो a के साथ में जो x² के साथ संख्या आ रही है ये 4, तो इसका 4 में पूरे में भाग कर देंगे,
ठीक है, तो यहाँ भी चार कट जाएगा, यहाँ भी चार कट जाएगा, ये इसे आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो गया। देखो यहाँ पर माइनस का था, इधर लाए तो प्लस का। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ x के साथ जो संख्या होती है उसके बट्टे में दो की गुणा करते हैं, तो इसके b के बट्टे में कुछ नहीं है, मतलब b के बट्टे में एक है, और एक को दो से गुणा करते हैं तो b बट्टे दो। इसका वर्ग दोनों तरफ देखो, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो इधर तो सूत्र बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पे बन गया, और इधर ये संख्या जैसे जैसे लिख दी इसका वर्ग करके, ठीक है। वर्ग करने के बाद यहाँ लघुतम लिया, लघुतम लेने के बाद में ए स्क्वायर बट्टे चार होता। अब इसका वर्ग इधर ले जाते हैं तो इधर क्या बनता है, वर्गमूल। इसका स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो वर्गमूल, वर्गमूल से दो संख्या आती है एक प्लस में और माइनस में, फिर एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में, तो अपने पास दोनों उत्तर आ जाएंगे। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा सवाल था। तो ये थी अपनी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब इसकी बढ़ती है तीसरी और लास्ट विधि, जिसमें अपन बात करेंगे जो श्री धराचार्य सूत्र से यानी द्विघाती सूत्र से सवाल को हल करना। तो देखते हैं श्री धराचार्य या द्विघाती सूत्र से सवाल को कैसे हल करते हैं उसके बारे में। तो देखो सबसे पहले तो आपको द्विघात समीकरण क्या दी होती है, इस तरह से एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। देखो यहां पर होता है ए, ये क्या है ए, ये क्या है बी, और ये सी। जो द्विघाती सूत्र होता है वो सूत्र क्या है, देखो एक्स का मान ज्ञात करने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस चार ए सी बटे दो, ये अपना सूत्र है, ये आपको ऐसे के ऐसे ही याद रखना है। देखो क्या सूत्र है, माइनस बी, देखो माइनस का बी प्लस माइनस, यानी एक बार लास्ट में प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो अपने दो उत्तर आ जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस चार ए सी बटे दो ए, ये माइनस सूत्र का ही है, इसको ध्यान रखना। तो इस सवाल को अपन देखते हैं इसी तरह करके। तो यहां देखो ए बराबर क्या है, ए हमेशा एक्स स्क्वायर के साथ होता है, वो b बराबर क्या है माइनस का दो अंडर रूट दो, यानी तो x के साथ होता है, तो माइनस अगर साथ में तो संख्या के साथ में रखना है, और c बराबर क्या है एक, c बराबर क्या है एक। अब अपन सूत्र देखते हैं, तो सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस चार ए सी बटे दो ए। अब इसके अंदर अपन मान रख देते हैं, देखो मान रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, एक्स बराबर माइनस बी, ये माइनस सूत्र का, और इसका मान कितना है माइनस दो अंडर रूट दो, ये देखो बी का मान ब्रैकेट में रखा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब दो अंडर रूट दो का स्क्वायर, फिर माइनस चार इंटू, ये देखो चार ए की जगह कितना रखना है दो, इंटू सी की जगह कितना रखना है एक बटे दो ए। ये देखो जो चार ए सी आपस में गुणा में है, ठीक है, इसको ध्यान रखें, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बचेगा दो अंडर रूट दो प्लस माइनस अंडर रूट दो। अंडर रूट दो का स्क्वायर कैसे होता है, देखो दो अंडर रूट दो का स्क्वायर यानी इसको दो बार गुणा करना, ध्यान देंगे पहले दो को दो से गुणा कर लो चार, अंडर रूट दो को अंडर रूट दो से गुणा करते हैं तो दो, तो चार को दो से गुणा करेंगे तो आठ, यानी आप बात करें दो अंडर रूट दो का स्क्वायर क्या होता है आठ, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया आठ, माइनस चार को दो से गुणा करेंगे आठ, आठ को एक से गुणा करेंगे तो आठ बटे, देखो दो ए, ए की जगह मान रखना था चार, ए की जगह कितना है दो, सॉरी ए की जगह दो, तो दो को दो से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा चार, ध्यान देंगे देखो यहां पर दो अंडर रूट दो था, ऐसे कैसे बढ़ाए दो अंडर रूट दो, ऐसे कैसे प्लस माइनस अंडर रूट आठ में से आठ गए तो क्या बचेगा जीरो और बटे चार, तो x बराबर क्या आ गया दो अंडर रूट दो बटे चार, तो ये दो से दो कट रहा है ये बचा दो। देखो इसको थोड़ा सा ध्यान और लिख लेते हैं, अंडर रूट दो बटे दो ये आ रहा है, प्लस माइनस जीरो मतलब ही नहीं है प्लस माइनस जीरो का, तो यही दो बार आएगा, या चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर तो अंडर रूट दो पड़ा है, नीचे दो को क्या लिख सकते हैं, नीचे जो दो आ रहा है इसको अंडर दो इक्वल अंडर दो, इससे एक अंडर दो कट जाएगा, तो आपके पास x बराबर ये आएगा एक बटे अंडर दो, दो बार लिखना है क्योंकि उसके अंदर दो आते हैं, ठीक है, तो आपके पास उत्तर क्या आ जाएगा इस तरह से। देखो बिल्कुल सिंपल सी विधि है, आपको सिर्फ सूत्र ध्यान में रखना है, तो आप इसको आसानी से देखो, ये ए का मान ये हो गया, बी का मान ये हो गया, और सी का मान ये लास्ट वाली संख्या, आपको बस उठा के सूत्र में रखना है और इस सूत्र का संख्या को गुणा भाग करके और लास्ट में उत्तर निकाल देना है, दो उत्तर आपको निकल जाएंगे, तो ये आपके आंसर आ गए।
बिल्कुल आसान तरीका, ना तो अपने को इसमें कोई गुणनखंड करने की जरूरत कि गुणा करने पर भाग करने पर क्या आना चाहिए, और ना ही पूर्ण वर्ग की तरह इसमें कोई संख्या रखने की जरूरत कि क्या जोड़ना है क्या घटाना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसा सवाल है उसको वैसे ही हल कर सकते हैं। तो ये था आपका पहला सवाल द्विघाती सूत्र से। तो देखते हैं इसका अगला दूसरा सवाल। देखो आपको क्या इसमें सवाल में ये कहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यानी इसके उत्तर, उनका अस्तित्व हो तो श्री धनाचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र से उपयोग करके इसके उत्तर निकाल ले हैं। ठीक है, तो अगर आपको पीछे वाला सवाल समझ में नहीं आया है तो आप यहाँ पर उसमें कोई डाउट रह गया तो इस सवाल को ध्यान से देखिए, एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर a बराबर क्या x स्क्वायर के साथ होता है, वो होता है a, यानी a बराबर है 9, b बराबर कितना है 7, और c बराबर कितना है माइनस का 2। अगर किसी भी साथ माइनस है तो वो यहाँ a b c के साथ आएगा। अब अपना सूत्र है वो क्या है, सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। देखो सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, सूत्र के बगैर इस विधि को आप नहीं कर सकते। अब देखो यहां पर अपने को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये मान उठा के रखना है। तो b का माइनस देखो माइनस और 7, देखो b की जगह 7 और उसके आगे माइनस लगाना है सूत्र के अंदर, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब बी का मान कितना है 7 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए, ए का मान है 9 इंटू सी का मान कितना है माइनस का 2, माइनस का 2 बटे 2 इंटू ए, ए का मान कितना है 9। अब इसको आपको हल करना है, तो सवाल तो देखो मेन तो इतना ही था, अब आपको सिर्फ इसको गुणा भाग करके और लास्ट में उत्तर तक ले जाना है। देखो माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, माइनस देखो इसको गुणा करेंगे 4 को 9 से गुणा करेंगे 9 चौके 36, 36 को 2 से गुणा करेंगे 72, लेकिन किसका आएगा माइनस का, यहां से आगे देखो एक माइनस है तो इनको आपस में गुणा किया तो ये माइनस का, और नीचे गुणा करेंगे 9 को 2 से तो क्या आ जाएगा 18, क्या आ जाएगा 18। इसको देखो और हल करें अपन, तो अपने पास देखो माइनस का 7 एक्स बराबर चल रहा है ये सारा, माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट देखो ये 49 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 72 बटे 18, तो ये हो गया माइनस का 7 प्लस माइनस, इसको इसमें जोड़ेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 17, ये देखो 49 में 72 जोड़ना है आपको, तो 49 और 72 कितने होते हैं 121, कितने होते हैं 121 बटे 18। अब आपको देखो माइनस का 7 प्लस माइनस, 121 का वर्गमूल कितना होता है आपको पता है 11, कितना होता है 11 बटे 18 x बराबर। अब देखो आपको ये उत्तर हो चुका है, अब आपको लेना है यदि x बराबर माइनस 7 प्लस 11 बटे 18, यानी एक बार आपको प्लस वाला चिन्ह लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस का 1 माइनस का तो घटेगा, 11 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, वो भी प्लस के देखो 11 वाला और बटे 18, यानी कितना आ जाएगा ये से 2 के पड़े से कट रहा है 2 बटे 9, तो पहला उत्तर आ गया 2 बटे 9। दूसरा देखो, और यदि x बराबर माइनस 7 माइनस 11 बटे 18, तो माइनस 7 और माइनस 11 दोनों ही माइनस के तो जुड़ेंगे माइनस 18 बटे 18, तो 18 से 18 कटा तो क्या बचा माइनस का 1, तो ये दोनों आपके पास उत्तर आ गए। देखो इसको आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, देखो एबीसी के मान निकालने सूत्र के अंदर रखने, मान निकालने के बाद सूत्र के अंदर रखने के बाद में आपको क्या करना है इसका वर्ग कर देना है और इधर इनको गुणा करके लिख लेना है। अगर एक माइनस आ रहा है ना यहाँ पे, ये माइनस के साथ जुड़ के और लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ा, 49 और 72 को जोड़ते देखो 9 2 11 7 4 11 और 1 12 121 आता है, और 121 का वर्गमूल अपने को पता है कितना होता है 11, 11 को 11 से दो बार गुणा करते हैं तो 121 बनता है, मतलब 121 का वर्गमूल कितना है 11। अब आपको क्या करना है, एक बार प्लस लेना और एक बार माइनस और इसके दोनों उत्तर निकाल लेने। तो उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से आपको ये भी विधि समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखते हैं दूसरे का तीसरा सवाल। देखो इस तरह सवाल दिया x प्लस 1 बटे x बराबर 3 और यहाँ दिया x बराबर 0 नहीं है। देखो x बराबर ये पीछे शर्त लिखी होती है, अगर x बराबर 0 लग दिया तो ये फिर अनंत बन जाता है, यानी ये आपको नहीं लेना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो आपको सवाल दिया है, तो बहुत सारे बच्चे इस तरह का सवाल देखते ही पहले से डर जाते हैं, क्या सवाल में द्विघात समीकरण तो आई नहीं, अब इसको कैसे हल करेंगे।
तो अगर आप डर गए तो फिर आपका सवाल सही तरीके से आता हुआ भी आपसे नहीं होगा। तो आपको मैंने जैसे शुरू में ही बताया, जैसे इक्वेशन दिख रही है पहले उसको सरल इक्वेशन में बदल दो, और सरल समीकरण में बदलने के लिए क्या करना होता है, जो बट्टे में संख्या आ रही है उसी की आप पूरी संख्या में गुणा कर दो। तो देखो मैंने क्या किया, एक्स की गुणा करने पर ये अपन कर रहे हैं द्विघात समीकरण बनाने के लिए। तो देखो यहां एक्स की गुणा करेंगे पहले के साथ, प्लस इसके भी साथ एक्स की गुणा करेंगे, तो एक्स बराबर तीन के साथ भी एक्स की गुणा करेंगे, तो सबके साथ एक्स की गुणा कर दिया, तो एक्स और एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। फिर इसके साथ देखो प्लस ये एक्स से एक्स कट गया तो क्या बचा, एक बराबर तीन एक्स, बराबर क्या बचा तीन एक्स, तीन को एक्स से गुणा किया। अब इसको अपने उस तरीके से लिख लेते हैं जैसे हमेशा लिखते हैं, तो पहले एक्स स्क्वायर बढ़ा, फिर इसको लाएंगे इधर, तो तीन एक्स इधर आएगा तो माइनस का, और ये एक प्लस का इधर ही बढ़ा है बराबर जीरो। ये अपनी द्विघात समीकरण बन चुकी है, बस इतना सा आपको एक्स्ट्रा करना था, और ये सवाल आपके पेपर में आया हुआ है। देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये बट्टे वाली संख्या इसको हटाना है, हटाने के लिए अपन इसी की गुणा कर दी, तो देखो ये एक्स से एक्स से गुणा हुआ था एक्स स्क्वायर, ये एक्स से एक्स कट गया और ये तीन एक्स। अब तीन एक्स को उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो सारी संख्या इधर आ गई, तो इधर कुछ भी नहीं हुआ था मतलब जीरो, ये एक प्लस का यहाँ पे पड़ा है। अब अपने को एबीसी के मान निकाल लेते हैं, ए बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है मतलब ए, बी बराबर कितना है माइनस का तीन, और सी बराबर कितना है एक, और अपना सूत्र क्या है, सूत्र है अपना एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस चार ए सी बटे दो ए, ये सूत्र है, इसके अंदर अपने को मान रखे और उत्तर निकालना है। तो आगे तो आप कर ही सकते हो, देखो एक्स बराबर मान रखते हैं माइनस का बी, देखो बी का मान कितना है माइनस का तीन, तो ये हो गया तीन प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब माइनस तीन का स्क्वायर इंटू चार इंटू ए, ए का मान एक है और सी का मान भी एक है, देखो ए का मान भी एक है और सी का मान भी एक है, इंटू एक इंटू एक बटे दो इंटू ए का मान एक, तो एक्स बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस तीन का स्क्वायर करो चाहे प्लस तीन का करो, आप देखो इधर ध्यान देंगे माइनस तीन का स्क्वायर करेंगे तो भी नौ आएगा, और तीन का स्क्वायर प्लस वाले का करेंगे तो भी क्या आएगा नौ आएगा। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, माइनस तीन का स्क्वायर लिखते हैं तो माइनस नौ लिख देते हैं, ये लिखते ही आपका सवाल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, तो ये यहाँ पर मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो देखो माइनस तीन का स्क्वायर कितना हो गया नौ, माइनस चार को एक से गुणा करेंगे चार फिर चार बटे दो, देखो अपने पास आ गया x बराबर तीन प्लस माइनस नौ में से चार जाएगा तो क्या बचेगा पांच बटे दो। अब देखो अंडर रूट पांच का मान नहीं निकलता पूरा पूरा, तो अपन कुछ भी नहीं करेंगे, लिखेंगे यदि x बराबर तीन प्लस पांच बटे दो, ठीक है ये हो गया, और यदि दूसरा क्या है एक्स बराबर क्या आ जाएगा तीन माइनस अंडर पांच बटे दो, आपको बस एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लेना है, ये आपके उत्तर इस तरह से आ जाएंगे। बस आपको ये सिंपल सा तरीका है, देखो इसमें कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल आप आसान तरीके से यहां पर देखो इतना सा सवाल आपको एक्स्ट्रा करना था ये समीकरण बनाने के लिए, ये द्विघात समीकरण, यहां पर अपनी द्विघात समीकरण बन गई, ये द्विघात समीकरण बनने के बाद में पूरा सवाल उसी तरह करना है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण और सिंपल सा सवाल था, आपको उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं दूसरे का चौथा सवाल, उसी तरीके से करना है, देखो ये तो सिंपल इक्वेशन बनी हुई है एक्स स्क्वायर एक्स और ये द्विघात समीकरण है, तो अपन मान लिख लेते हैं a बराबर कितना है अंडर रूट दो, b बराबर कितना है सात, और c बराबर कितना है पांच अंडर रूट दो, ये माना गए। अब अपन सूत्र लिख लेते हैं, सूत्र क्या है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस चार ए सी बटे दो, ये दो ए पूरे के बट्टे में लिखना है। अब देखो मान रख दो बस आपको b की जगह कितना रखना है माइनस का सात प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, b की जगह कितना है सात तो इसका स्क्वायर प्लस माइनस चार इंटू ए, a का मान कितना है अंडर रूट दो, a का मान अंडर रूट दो, और c का मान कितना है पांच अंडर रूट दो बटे दो अंडर रूट दो, देखो दो इंटू अंडर रूट दो, ए का मान कितना है अंडर रूट दो। अब इसको हल कर लेते हैं, सात का सात प्लस माइनस अंडर रूट सात का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है उनचास, सात का स्क्वायर उनचास माइनस चार की जगह देखो चार इंटू
पांच की जगह पांच। अब ये देखो थोड़ा सा ध्यान, अंडर रूट दो को अंडर रूट दो से गुणा करते हैं तो कितना आता है, दो बट्टे क्या आएगा, दो अंडर रूट दो बट्टे क्या आ गया, दो अंडर रूट दो। इसको आगे हल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो ये ऐसे कैसे रहेगा, माइनस का सात प्लस माइनस अंडर रूट, देखो ये तो 49 ऐसे पड़ा है, ये आंसर। इसको गुणा करते हैं, चार को पांच से गुणा करते हैं तो 20, 20 को दो से गुणा करेंगे तो 40, 20 दूनी 40 और बट्टे क्या है, दो अंडर रूट दो। तो ये आ जाएगा माइनस का सात प्लस माइनस 49 में से जाएगा तो कितना बचेगा, 40, 9 और दो अंडर रूट दो, 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। अब आपको क्या है पता है कि अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस 9, 7 का मान होता है, अंडर रूट 9 का मान होता है 3, अंडर रूट 9 का मान कितना होता है 3। अब आपको वही लिखना है, एक तो x बराबर आ जाएगा, तो यहां एक तो आ जाएगा x बराबर, एक बार प्लस में ले रहा है 7 प्लस 3 बट्टे 2 अंडर रूट 2, तो इससे आ जाएगा 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4, तो ये से कट जाएगा तो कितना जाएगा, 2 बट्टे अंडर रूट 2। और आपको बताया था ऊपर वाले माइनस है, इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इनटू अंडर रूट 2 बट्टे अंडर रूट 2, 1 अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा तो आपके पास पहला आ गया x बराबर माइनस का अंडर रूट 2, एक मान तो ये आ गया। दूसरा मान आप उसी तरह निकालेंगे और x बराबर माइनस 7 माइनस 3 बट्टे 2 अंडर रूट 2, तो इससे आ जाएगा 10 बट्टे माइनस का, देखो माइनस 7 और माइनस 3 की तो माइनस का 10 बट्टे 2 अंडर रूट 2, ये से कटेगा तो 5, तो आ जाएगा माइनस का 5 बट्टे अंडर रूट 2, ये दूसरा मान आ गया आपके पास। तो x बराबर अपने पास दो मान आ गए, देखो एक तो है x बराबर माइनस का अंडर रूट 2 और एक x बराबर है माइनस 5 बट्टे अंडर रूट 2। तो आप इस तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं और उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो उम्मीद है कि आपको दोनों ही विधि अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, पूर्ण वर्ग विधि और जो सीधे धराचार्य सूत्र से अपन करते हैं दोनों ही विधि, और गुणनखंड विधि अपन पहले ही बात कर चुके थे, ठीक है। तो इसके कुछ सवाल बचे हैं जो अगले वीडियो में अपन बात करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके इसके बारे में बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।